मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी पारा काफी गर्म है। बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार जारी है तो सूबे के दो बड़े नेताओं के बीच भी जुबानी जंग देखने को मिल रही है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बीच खूब वार पलटवार जारी है। इस कड़ी में दिग्विजय सिंह ने सिंधिया को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि सिंधिया को मंत्री बनवाने के लिए उन्होंने सपोर्ट किया। एक निजी चैनल से बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा, माधवराव सिंधिया को मैं राजनीति में लाया था। लोकसभा चुनाव हारने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया डिप्रेशन में चले गए। सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगा कि एमपी में कांग्रेस अब कभी वापसी नहीं करेगी। इस बार एमपी में चुनाव हारने के बाद बीजेपी में सिंधिया का हाल बुरा हो जाएगा। इस बार एमपी की जनता सिंधिया को सबक सिखा देगी। बता दें कि इससे पहले दिग्विजय सिंह ने कटाक्ष करते हुए कहा था कि किसको उम्मीद थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा, मंत्री बने और कई पदों पर रहे, वे भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में चले जाएंगे। योद्धा तो वो होता है जो अपने विचारों से समझौता नहीं करता, बल्कि हारने के बाद अगली लड़ाई के लिए निकल पड़ता है। लेकिन आप जिससे हारे उसी की शरण में चले गए, ऐसे लोगों को योद्धा नहीं कायर कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिंधिया भी दिग्विजय सिंह को जवाब देने में चूके नहीं। दिग्विजय सिंह के आरोपों पर सिंधिया ने जवाब देते हुए कहा कि आखिरकार मैं दिग्विजय सिंह की मदद कब तक करूं? जब तक मैं कांग्रेस में था तब भी उन्हें चयन नहीं था, और अब जब मैं बीजेपी में हूं तब भी वो मुझसे मदद की उम्मीद करते हैं। फिर आप ही बताइए कि मैं उनकी मदद कहां और कब तक करूं? बता दें कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होने हैं। पक्ष विपक्ष दोनों अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि मध्य प्रदेश की जनता इस बार किसका साथ देती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।